नमस्कार, टीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और देखिए, बेहद खास ये दिन रहने वाला है, क्योंकि आज जो प्रचार प्रसार का शोर है वो भी थम जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रचार प्रसार करते उत्तराखंड में नजर आएंगे। तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में सुबह 11:30 बजे करेंगे जनसभा, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन विधानसभाओं में जनसभा करते नजर आएंगे। तो अब जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देवभूमि में जनसभा आज करेंगे। देखिए, बेहद खास उत्तराखंड के लिए आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को रहने वाला है। एक चरण में 70 सीटों का विधानसभा चुनाव है ये, और ऐसे में देखिए तमाम दिग्गज नेता पूरी तरीके से ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान उत्तराखंड में जनसभा करेंगे। वही सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज जनसभा आयोजित है, उत्तराखंड में वो जनसभा करते नजर आएंगे। तो देखिए, देवभूमि में उनका जनसभा आयोजित किया गया है, जहां वो जनसभा करेंगे। लोगों को साधने की कवायद देखिए तमाम दिग्गज नेता कर चुके हैं, और इस दौरान देखिए जनसभा करते हुए वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करने की जो अपनी उम्मीदें हैं उसको लेकर चलेंगे, और साथ ही साथ लोगों से अपील करेंगे उनके पक्ष में वोट करने की। देखिए, तमाम दिग्गज नेता अब उतर चुके हैं मैदान में। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होना है, एक चरण में ही जो चुनाव है वो होगा, 70 विधानसभा सीटें, और उन सभी सीटों को साधने की इन तमाम पार्टियों की द्वारा पूर्ण जोर कोशिशें की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन विधानसभाओं में जनसभा आज करने वाले हैं, तो वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देवभूमि में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का चोर आज जो शोर है प्रचार प्रसार का, वो भी आज थमने वाला है। 6 बजे तक ही सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा सकेगा, और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ देवभूमि आएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ देखिए, अब तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान जनसभा करेंगे, और देखिए 11:30 बजे जनसभा आयोजित है पीएम नरेंद्र मोदी की, जहां वो जनसभा करेंगे, लोगों से वोट की अपील करते इस दौरान देखिए वो नजर आएंगे। तो बेहद अहम ये कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि देखिए 2017 में भारी बहुमत से बीजेपी ने सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने तीन मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, और ऐसे में देखे कहीं से वो पीछे हटती हुई नजर आई। तमाम जो जगहें हैं उनको देखिए अब साधने की जो कोशिशें हैं इन नेताओं द्वारा की जा रही है, लेकिन इस बार जो मुकाबला है बेहद टक्कर का रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से ताकत यहां झोंक चुकी है। तो नवीन ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, देखिए बेहद खास का आज का दिन रहने वाला है आपके लिए, सत्ता को बचाने के लिए, कैसे देख रहे हैं आप आज के दिन को? देखिए, हमारे लिए सब दिन बराबर हैं, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता केवल चुनाव के समय में आते हैं, ये बताएं राहुल गांधी 5 साल में कितनी बार आए, जब चुनाव दिखता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 बार जो है इस प्रदेश में आ चुके हैं, लगातार आते हैं, तो प्रदेश की जनता जानती है कि कौन उनका अच्छा सच्चा हितेशी है और कौन दिखावे के लिए आते हैं। कांग्रेस जहां इस प्रदेश में मुस्लिम हिस्ट्री खोलने की बात करती है, कहां कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करती है, लेकिन हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। तो ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल विकास किए, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार जो है हमें मदद देता रहा। 1 लाख करोड़ के काम जो है डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार देहरादून आए थे तो उन्होंने 50 मिनट की अपनी जनसभा में एक एक उपलब्धि, 7 वर्ष का कार्यकाल गिनाया था कि 2000 किलोमीटर रोड हमने बनाए, 12000 करोड़ का जो है हमने ऑल वेदर रोड बनाया। लेकिन जब राहुल गांधी आए तो 5 मिनट भी उत्तराखंड के विषय में एक शब्द नहीं बोल पाए कि उन्होंने क्या किया था। तो इसलिए उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब वो झूठ का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है।
वो तय कर चुकी है। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने की जो नीतियां स्टार्टिंग से चली आ रही हैं, जो प्रथा चलती है कि पहले बीजेपी आती है फिर कांग्रेस आती है, ऐसे कैसे देखिए? तीन सीएम के चेहरे आप बदल चुके हैं, जनता कैसे विश्वास करे आपकी पार्टी पर? देखिए, जनता अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। अगर हमने सीएम के चेहरे बदले तो हमारे विकास के रथ नहीं रुका है, विकास लगातार हुआ है। और जो एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की आप बात कर रहे हैं, उस मिथ्या को हम तोड़ चुके हैं। वो मिथ्या पूर्व में भी तोड़ा है हमने, पहले एक मिथ्या और था उत्तराखंड में कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती थी, अगर भाजपा की सरकार और लोकसभा चुनाव में, तो 500 सीटें कांग्रेस जीतती थी और कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा जीतती थी। ऐसा चार बार हुआ है, लेकिन इस बार हमने वो मिथ्या तोड़ दिया। हमने नहीं तोड़ा, उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लोकसभा की 500 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की झोली में इस उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने डाली। तो निश्चित तौर पर इस बार एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का मिथ्या भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, उत्तराखंड की जनता तोड़ेगी कि वो समझ चुकी है कि विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार और लूट का काम होता है। वो कांग्रेस का 10 साल का दिल्ली का कार्यकाल भी देख चुकी है, जिसमें आए दिन जो है जब जनता अखबार खोलती थी तो मुख्य पृष्ठ पर कोई ना कोई घोटाला होता था, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे यूरिया घोटाला हो। इतने घोटाले होते थे कि जनता त्रस्त होकर उनको निकाल दिया जनता ने। और इसी कारण उत्तराखंड में भी ऐसी हुआ, इनके मुख्यमंत्री के जो चेहरा है वो दो दो सीटों से चुनाव हारे पिछली बार। तो इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो नीतियां हैं उनको आत्मसात कर चुकी है, समझ चुकी है कि असली विकास केवल। चलिए, हरक सिंह रावत के पार्टी से निकलने के बाद क्या कुछ नुकसान आपकी पार्टी को झेलना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वट वृक्ष है मैडम। इस पेड़ से अगर दो चार पत्तियां टूट जाती हैं तो पत्तियां सूखती हैं, पेड़ को फर्क नहीं पता। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं, इस पार्टी से कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, दल बदलू नेता चाहे इधर के हो चाहे उधर के, उनके आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। हरक सिंह को हमने भेजा है, कार्यकर्ता नहीं गए, वोटर नहीं गए, वोटर हमारे साथ है, वोटर हमारे साथ जटा हुआ है। चलिए नवीन जी, तो आप ये भी बता दीजिए कि कितनी सीटें आपको उम्मीद है कि आने वाली हैं? देखिए, हमने नारा दिया अब की बार 60 पार, पर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम 60 पार जाएंगे और भारी बहुमत के साथ पुनः उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में इतना विकास हुआ है कि अब 60 पार जो जनता है वो आपको लेके जा सकती है? क्योंकि देखिए, तमाम मुद्दे उठे हैं, कोरोना काल देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष पार्टी उठाती हुई आई है। मैनिफेस्टो में आप बहुत सारे वादे तो कर रहे हैं लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं आते हैं सर। बिल्कुल सपना जी, बहुत वाजिब सवाल उठाया आपने। इस कोरोना के कारण ही तो हमें जनता जिता रही है। इस जनता ने देखा जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो इस प्रदेश में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, तब जनता को पता चला कि कांग्रेस ने क्या किया था धरातल पे। कांग्रेस जब 17 में यहाँ से विदा हुई थी, केवल एक मेडिकल जो है प्लांट था, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट, और हमने दूसरी लहर आने से पहले पहले 15 ऑक्सीजन प्लांट हमने स्थापित कर दिए थे। इस कारण जो हम इस प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाए। इस प्रदेश में 116 वेंटिलेटर छोड़ के गए थे, हमने 1000 वेंटिलेटर जो है उपलब्ध करा दिए थे, इसलिए हमने कोरोना के साथ जंग लड़ी। इस प्रदेश में एक पीपी किट नहीं बनती थी, हमने जो है 4 व्यक्ति पीपी किट की देहरादून में ही लगा दी थी, पूरे प्रदेश के साथ छोड़िए, तो हमें पीपी किट के लिए बाहर नहीं झांकना पड़ा। कांग्रेस का शासनकाल होता तो चाइना से मंगाना पड़ता जैसे पहले मंगाते थे। इनको तो एक एक जो है खतरे की पोलियो की डोज बनाने के लिए 20-20 साल लग जाते थे, हमने तो जो है कोरोना की डोज भारत में बनी और विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना की डोज देने वाला भारत एक पहला देश बन गया। हम 175 करोड़ जो है डोज अब तक लगा चुके हैं, हम 90% जो है लोगों को प्रथम डोज दे चुके हैं, दूसरी डोज भी हम जो है 60% लोगों को दे चुके हैं। विश्व का सबसे जो है बड़ा वैक्सीन फ्री अभियान भारत में चला है, विश्व में कहीं नहीं हुआ, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अगर कांग्रेस होती तो पैसों में भी ये योजना मिलती और यहाँ आने में 10 साल लगते, उसमें कमीशन खोरी अलग ये देखते, लेकिन हमने इस प्रदेश में इस देश में जो है हमने जो है कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन किया, हमने वैज्ञानिकों पर अपने भरोसा किया, हमने उनको जो है सुविधाएं दी, हमने उनको प्रोत्साहन दिया, हमने उनको बजट मुहैया कराया। इस कारण जो है उन्होंने कोरोना की वैक्सीन भारत में ही जो है हमने विकसित की और अपने देशवासियों को कोरोना की महामारी से बचाया। कोरोना की महामारी के दौरान ही तो असली परीक्षा हुई, तभी तो पता लगा। अगर दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसा जो है राज यहाँ पर होता तो ना जाने क्या होता, हम कल्पना करके भी जो है कांप जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी थे, इस कारण जो है हम इस कोरोना की लहर का मुकाबला कर पाए और हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन भी निःशुल्क देने का काम किया, राशन निःशुल्क देने का काम किया। हमारे कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर रहे, अपनी जान की परवाह किए बगैर राहगीरों को हमने जो है
भोजन उपलब्ध कराया, हमने जो है मास्क वितरण किया, हमारी महिला मोर्चा ने, हमारे युवा मोर्चे ने ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए, और हमने लगातार जो कोरोना काल में काम किया तो उत्तराखंड की जनता ने देखा कि कौन लोग काम करने वाले हैं और कौन लोग घरों में डूब के रहे, और अब जब कोरोना खत्म हो गया तब दिलों से बाहर निकलकर वो यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड की जनता ने कोरोना काल के देखी, मित्रता की परीक्षा और राज्य की परीक्षा कठिन दौर में ही होती है। ये तो जनता को ही तय करने दीजिए कि किन मुद्दों को लेकर जनता चलने वाली है या फिर आपके पक्ष में वोट आते हैं कि नहीं। देखिए, और इसका खुलासा भी 10 मार्च को पता लगने वाला है, लेकिन अगर हम आपसे पूछे किन मुद्दों को आप उठाएंगे, देखिए किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं। केवल विकास, विकास और विकास, हमने विकास के कार्य किए। मैंने कहा कि ऑल वेदर रोड आप देखिए, लेकिन देखिए अभी अगर हम पहाड़ों की अगर बात बताएं, वहाँ की जनता की बात बताएं, तो वो हमेशा ये कह रही है कि देखिए वहाँ पलायन होता है, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँचती है, कोई सुविधाएं नहीं पहुँचती है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ विकास हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ ये सारी चीजें नहीं थी, हमने पहुँचाया ना विकास। ऑल वेदर रोड आप देखिए, आप चमोली आप जाइए, आप आज श्रीनगर जाइए, आप टिहरी जाइए, जहाँ टिहरी जाने में 4 घंटे लगते थे, आज आप ऋषिकेश से 1.5 घंटे में टिहरी पहुँचते हैं। आप हरिद्वार देख लीजिए, देहरादून से हरिद्वार जाने में 2-2.5 घंटे लगते थे, क्या करता हाल थे, और 2 चक्कर मारने के बाद गाड़ी की सर्विस कराने पड़ती थी। आज 45 मिनट में फराटेदार आप जो है हरिद्वार पहुंचते हैं, सारे जो है पुलों का निर्माण हो गया है, सारे फ्लाईओवर का निर्माण हो गया है, और आप देखिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है 24 में आप ट्रेन से कर्णप्रयाग पहुंचेंगे। ऑल वेदर रोड का काम कितनी तेजी के साथ कंप्लीट हो रहा है, 95% काम पूरा हो चुका है, और जब पूरे देश का जो है श्रद्धालु यहाँ आएगा तो उनको सुविधाएं मिलेंगी, हमारा पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक आपने पलायन की बात की, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने पलायन आयोग की स्थापना की, और पलायन आयोग ने हमें मुख्य बिंदु दिए कि क्या क्या जो है पलायन के कारण है, और उन बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। आप देखिए कोरोना काल के दौरान 7 लाख प्रवासी जो है उत्तराखंडी उत्तराखंड में वापस आए, और उनमें से 5.5 लाख वापस गए, 1.5 लाख यहीं पर रुके, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको जो है यहाँ पे स्वरोजगार उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमने होम स्टे में जो है 3700 नौजवानों ने पंजीकरण कराया। 3700 का मतलब आपको 10 से गुना कर दीजिए, जब एक होम स्टे का काम चलता है तो उसमें कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें 2 शेफ होते हैं, उसमें 2 वेटर होते हैं, उसमें प्रबंधक होता है, उसमें सफाई का कर्मचारी होता है। तो हमने जो है 3700 युवा तो होम स्टे से जुड़े, और भी बहुत सारी योजनाओं से लोग यहाँ जुड़े, हमने 90 स्टार्टअप जो है यहाँ पे नए खास मुद्दे आपके पास है, विपक्ष के पास भी तमाम मुद्दे हैं, और तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुँच रही है, लेकिन जो लास्ट डिसीजन वो जनता का ही होने वाला है, क्या कुछ वो अपना मतदान करेगी, वो 14 फरवरी को मतदान करेगी लेकिन रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे, किसकी जीत किसकी हार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको हम जानकारी हम दे रहे थे जहां पर उत्तराखंड में आज बेहद खास दिन रहने वाला है, तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरी जोर कोशिश में लगी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो। देखिए इसके साथ ही हमारे साथ संदीप कुमार कुमायूं ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। देखिए बेहद खास दिन रहने वाला है, सुपर संडे आज रहने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, आज पूरी तरीके से ताकत झोंकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज रुद्रपुर शहर में चूंकि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सबसे ऊपर थे, तो आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस, चूंकि 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है और चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे के बाद विराम लग जाएगा, तो आज इसी कड़ी में रुद्रपुर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव के पहले ठीक प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था, उससे भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा उनको मिला था। 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। आज चुनाव प्रचार का साल 2022 के विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस है, और आज अंतिम दिवस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद आ रहे हैं। कल वो अल्मोड़ा गए थे, अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, आज रुद्रपुर रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से ही कार्यकर्ताओं का लगातार आवागमन शुरू हो चुका है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में है, उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहता है। हालांकि इस बार कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो 14 फरवरी के दिन मतदान दिवस के दिन जनता को तय करना है, लेकिन आज कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, और साथ में जो विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं इस जनपद के, उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा अपने अंदर से एक मजबूती मिल रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री उनके कन्वेंशन के लिए आज रुद्रपुर शहर में आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, और देखिए काफी अहम ये दौरा भी माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और देखिए चेहरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर ये जो चुनाव है वो लड़ रही है बीजेपी पार्टी। तो ऐसे में देखिए समीकरण को समझने की कोशिश करें, क्योंकि 2017 में भारी बहुमत जो बीजेपी को मिला था, क्या उतना बहुमत इस वक्त भी मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी केवल लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय चुनाव भी होते हैं, यहाँ तक कि जो पंचायत स्तर के भी चुनाव होते हैं, उनमें भी प्रधानमंत्री के चेहरे का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अब आने वाला समय जो चुनाव चल रहा है, तो मुद्दे भी बहुत सारे थे, महंगाई, बेरोजगारी, जिनको लेकर के कांग्रेस लगातार जनता के बीच में लगातार जा रही है, विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही है और सरकार की जो नीतियां हैं उनमें खामियां बता रही है। तो ऐसे में जनता को यह तय करना पड़ेगा कि आखिरकार लास्ट समय में प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग काम आएगी, या जो जनता के जो मुद्दे थे जो कांग्रेस ने उठा के रखे हुए, जो जनता के बीच के जो मुद्दे थे, जो मूलभूत मुद्दे थे, उनको लेकर के जनता तय करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर होते हुए दिखा रही थी कि 3 मुख्यमंत्री आखिर बदलने की जरूरत क्या रही, और उत्तराखंड आज 21 साल बाद आखिर किस स्तर पर है, जबकि डबल इंजन की सरकार के बाद उत्तराखंड को बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी। तो इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं जनता बीच में ध्यान रखेगी, और प्रधानमंत्री का अपना एक अलग क्रेज है, लेकिन इस क्रेज को वोटों में कितना कन्वर्ट बीजेपी के लोग कर पाएंगे, ये बेहद सोचने वाली बात है कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, ना विकास ना कुछ, देखिए सीएम का कोई चेहरा नहीं खड़ा किया जाता है। अब लोग भी इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हर बार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ सामने लाया जाता है। देखिए साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सत्ता संभाली थी, एज अ प्रधानमंत्री वो बने थे, उसके बाद लोगों के अंदर कई मुद्दे थे, कई बातें थी, लेकिन हर बार उन चीजों को लेकर के जनता किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाकर के जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से वो उनको आश्वासन देते हैं और भविष्य की जो इबारत खड़ी करते हैं उसको लेकर के जनता कहीं ना कहीं ये सोचती है या नहीं सोचती, ये भी समय बताएगा। लेकिन आज कांग्रेस लगातार इन चीजों को लेकर के हमलावर है कि क्या प्रधानमंत्री ही आकर के जनता के बीच में आएंगे और एक बार जुमलेबाजी करके जाएंगे, ये कांग्रेस लगातार कैसी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फिर भी पूरा विश्वास है और पूरा उत्साह है उनको कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग की वजह से आज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी साल 2022 में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके वो सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर होकर के प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़े करके कि किसानों का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, या जो दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आर्थिक स्थिति का मुद्दा हो गया कि आज वास्तविक स्थिति में उत्तराखंड कहां है, इन 21 सालों में उत्तराखंड को जिस तरीके से विकास होना चाहिए, क्या डबल इंजन सरकार में वो मुद्दा सामने आया। डबल इंजन सरकार के बाद बहुत सारी योजनाएं लगातार मोदी सरकार भी गिना रही है, लगातार धामी सरकार भी गिना रही है, उन्होंने रेलवे लाइन को लेकर के या 4 लेन हाईवे को लेकर के बहुत सारे मुद्दे गिनाए जो जनहित के काम के लिए। संदीप, तमाम मुद्दे गिनाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों के द्वारा, लेकिन अब जनता के हाथ में पूरी पावर है कि वो किन मुद्दों को लेकर चलती है और कहां पर वोट करती है। आपका बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुमाऊं ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम बातें हमसे कही, क्योंकि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव, आज प्रचार प्रसार का शोर 6 बजे तक थम जाए। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा और आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमने वाला है। तो आपको हम जानकारी दे रहे थे, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड का दौरा भी आज है, आज वो करीब 12 बजे प्रियंका गांधी खटीमा पहुंचेंगी, इसके बाद 1 बजे का भी उनका हल्द्वानी कार्यक्रम आयोजित है जहां वो पब्लिक मीटिंग करेंगी, और दोपहर करीब 2:30 बजे वो श्रीनगर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां प्रियंका गांधी का अहम दौरा। तो हम जानकारी आपको दे रहे थे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा, गृह मंत्री अमित शाह का आज का दौरा और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा, और इसी के कड़ी में आज प्रियंका गांधी भी पहुंच रही है उत्तराखंड, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहिन चौधरी, जो कि ब्यूरो चीफ है
देखिए सबसे पहले शाहिन चौधरी जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आज का दिन खास कार्यक्रम क्योंकि रहने वाला है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? देखिए उत्तराखंड में 14 अप्रैल को मतदान होना है और ये दूसरे चरण का मतदान है। मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत जो है प्रचार में झोंकी है और जनता के बीच जाने का प्रयास किया है और लगातार जो है आज अंतिम दिन है उसके चलते हुए भी लगातार बड़े नेताओं के कार्यक्रम रखे गए हैं। यदि बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार में आज डटेंगे और पूरी तरीके से अपने चुनाव प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और चुनाव प्रचार आज अंतिम दिन है उसको गति देने के लिए ये सभी नेता यहाँ आ रहे हैं। इन नेताओं का प्रयास होगा कि अपने प्रत्याशी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और एक बार फिर उनकी सरकार राज्य में आए। इसी के मद्देनजर लगातार पार्टी के बड़े नेताओं का कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में रखा गया है। नहीं, दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो पिछले दिन राहुल गांधी आए थे, उसके साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री नेता चुनाव प्रचार में डटे थे और आज खुद जो है प्रियंका गांधी चुनाव में आ रही है और कार्यकर्ताओं में वो एक जोश जगाने का काम करेगी। और यदि हम उनके कार्यक्रम को देखें तो कुमाऊं दोनों मंडलों में उनका कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ से इस समय मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनकी सीट पर उनका विशेष तौर पर कार्यक्रम रखा गया है। उसके साथ ही हल्द्वानी में युवा नेता के तौर पर लड़ रहे हैं, वहां भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश बोदियाल की विधानसभा में भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। तीन कार्यक्रम उनके रखे गए हैं, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में कार्यक्रम रखा गया है। साफ तौर पर संदेश है कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाना है और जनता के बीच जाकर वोट मांगना है और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाना है जिससे कांग्रेस की सरकार राज्य में आ सके। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो भी अपने अपने तरीके से चुनाव मैदान में और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज जैसे मैंने पहले बताया अंतिम दिन है तो प्रत्याशी पूरी ताकत जो है आज चुनाव प्रचार में झोंकना चाहते हैं। उसी कड़ी में ये सभी पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार करने उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बिल्कुल शाहिन जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस और हवा बह रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर वैसे ही बरकरार है? और अगर आम आदमी पार्टी की बात करना चाहे तो आम आदमी पार्टी इस वक्त कहां पर खड़ी है? देखिए जहां तक आपने लहर की बात की है तो इस समय चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल की लहर नहीं है। हालांकि इससे पहले तमाम आंकड़े आए और आपने उन आंकड़ों को देखा होगा, मैंने भी देखा, उत्तराखंड की जनता ने भी देखा, वोटर अभी शांत है। और जिस तरह की लहर नरेंद्र मोदी जी की पहले हुआ करती थी उस तरह की लहर जो है अभी इस चुनाव में नहीं बन पाई है। मगर हाँ, राजनीतिक तौर पर और चुनाव प्रचार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है। एक ये सरकार एक बार फिर कायम हो और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है युवा सरकार साठ पार, तो उसी लक्ष्य के तहत पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि आज प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने में आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितनी बड़ी हुंकार ये देखिए तमाम दिग्गज नेता भरते नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको हम जानकारी हम दे रहे थे, आज का दिन सुपर शनिवार रहने वाला है क्योंकि तमाम दिग्गज नेता अब आ रहे हैं देवभूमि में, आ रहे हैं उत्तराखंड में, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे।